हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश, आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, एयरफोर्स ग्रुप सी की फर्स्ट शिफ्ट जो यहां पे ख़त्म हो चुकी है और यहां पे ये रिव्यू जो था दोस्तों कल आया था, लेकिन रिव्यू इम्पोर्टेंट है। भाई ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेजे हैं और आपको मैं वो भी दिखाऊँगा कि कितने क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, चाहे वो हर स्टेशन को लेकर चलिए। भाई यहाँ पर कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जामनगर स्टेशन है तो जामनगर का यहाँ पर रिव्यू है, नहीं, क्वेश्चन आप वहीं पे रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और आपको टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ दी थी, ये पीडीएफ देख रहे हैं, इससे दोस्तों 4 या 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल भी मिस करके मत जाइए। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इस पीडीएफ में से भी क्वेश्चन आपके आए हैं। तो टेलीग्राम पे जिन कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे आकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपकी कोई भी आपस में डाउट है तो आप जो डाउट ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट के एग्ज़ाम सेंटर के रिगार्डिंग वगैरह जो सारे यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। रिव्यू करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी करता है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हर स्टेशन के लिए अलग रिव्यू की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी समान हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे रिव्यू अलग की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा स्टेशन का ही रिव्यू कीजिएगा। अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हेलो सर, मेरा पेपर एयरफोर्स ग्रुप सी एमटीएस के क्वेश्चन पेपर मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो यहां पे दोस्तों इन्होंने हमें क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो मैं आपको इनके दिखा देता हूँ किस प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स एमटीएस ग्रुप सी पेपर 29 जुलाई का ये पेपर था, और यहाँ पे भाई ने सेंड किया है जो क्वेश्चन आए थे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे एक सेकंड आप वेट कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन था। एक तो बिल्कुल आसान था ना, सिर्फ एक कम करके रंग को जो कम किया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, इसमें स्क्वायर बन रहा है, उसके बाद नीचे यहाँ पे रीजनिंग से था, रीजनिंग बिल्कुल आसान सी थी, मैथ्स का एक प्रिंसिपल के रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा था और आपको ऐसा ही पूछ रहा था PRT/100, तो ये आप कर सकते थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका साइड को लेकर, रेशियो वगैरह जो कि यहाँ पे दे रखे थे। यहाँ पे आपको जो एक 13 का क्यूब यानी 0.1 1.3 का क्यूब पूछ रहा था, तो यहाँ पर आपको एक घड़ी के रिगार्डिंग दिया गया था। ये क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, घड़ी के कोण बताइए, कौन बताइए, और आपको पता है इसका फॉर्मूला भी होता है या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिनोनिम दिए रखे थे आपको, इसमें ऑप्शन से बिल्कुल आर्म्स का पूछा गया था, एरली का पूछा गया था, एकदम नॉर्मली आपको पूछा गया था बॉलीवुड में कितने प्लेयर होते हैं, तो भाई ने आंसर भी दिया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है ना दोस्तों, आपकी कितनी बार रिपीट हो चुकी है इसका तो आपको खुद को अंदाज़ा नहीं होगा। कितनी बार तो मैंने आपको बता दी है, पहले जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 5 जुलाई को, उसी दिन ये पुस्तक पूछी गई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और मैंने भी इसको जो आपको जो प्रैक्टिस करवाई थी उसमें भी मैंने आपको करवाई थी। तो जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है, फोर्स का मोटो पूछा था, तो नव सिप्रेशम दीप्तम हो जाएगा। एयरफोर्स में किस पक्षी का चित्र बना हुआ है, तो इसमें हो सकता है चील होगा, गिद्ध होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, और इंग्लिश में अगर देख रहे हैं तो ईगल यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुई थी, तो ये 26 फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना ने अपना जज्बा दिखाया था। ज़मीन से आकाश में मार करने वाली मिसाइल कौन सी थी, तो ये आकाश मिसाइल DRDO द्वारा। भारत में निर्मित प्रथम एयरक्राफ्ट कौन सा है, ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्स में कौन सा जो नहीं है, ये पूछा गया था, चील तो है आपको पता है, मोटो भी है, वायुयान भी है, तो इसका मतलब स्तंभ नहीं था। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पूछा गया था टॉयलेट या बाथरूम की सफाई के लिए, यहाँ पे दोस्तों वाशिंग सोडा हो जाएगा, जिसे धोने का सोडा हम बोलते हैं। इनमें से कौन सा हेलीकॉप्टर, तो यहाँ पर चिनुक जो हेलीकॉप्टर होता है आपको पता है। एयरफोर्स की स्थापना जो हो यहाँ पे 8 अक्टूबर 1932। एक रैंक से क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें रैंक से क्वेश्चन भी आ रहे हैं दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन आपके पीडीएफ में रैंक के रिगार्डिंग दे रखे थे, स्थापना भी आपकी दे रखी थी, और आपका दोस्तों यहाँ पे एयरफोर्स के जितने भी क्वेश्चन आपके आए थे वो सभी के सभी यहाँ पे दे रखे थे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं।
और यहाँ पे ये क्वेश्चन दोस्तों सेंड करने के बाद टोटल देखिए 40 नंबर का पेपर था, 45 मिनट का यहाँ पे था, नो नेगेटिव मार्किंग थी। और ये इनका यहाँ पे व्यू देख सकते हैं और यहाँ पे एक वीडियो भी भेजी थी, तो ये देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, कम से कम 1000 या 1200 कैंडिडेट ने रिपोर्टिंग की थी, एक शिफ्ट में 3 शिफ्ट थी और पेपर बहुत ईजी था, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के अलावा कुछ भी चेक नहीं किया गया था। और जिस भी कैंडिडेट को जामनगर में जाना है तो एयरफोर्स में सिर्फ एडमिट कार्ड आधार कार्ड के सिवाय कुछ भी ना लेकर जाएँ। सर रिव्यू ज़रूर शेयर करना जैसे ही जो भाइयों को भला हो जाए। अच्छा भाई ठीक है भाई, जो हो आपका थैंक्स दिल से, और आप भी जो इस प्रकार से अपना रिव्यू सेंड करते रहिए और आप जो इसी प्रकार अपना सपोर्ट रखिए। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एयरफोर्स ग्रुप सी को बारीकी से जानकारी पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।